क्रिकेट और क्रिकेटर्स के फैंस के लिए ये वीडियो है एकदम खास। जी हाँ, हम इस वीडियो में आपको कुछ क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं, उनकी लव लाइफ का खुलासा करने वाले हैं। टीम इंडिया के लिए खेल चुके कुछ मुस्लिम क्रिकेटर्स ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वेल, में सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद कैफ की। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पूजा यादव से लव मैरिज की है। साल 2011 में शादी के समय पूजा नोएडा के एक मीडिया हाउस में काम किया करती थी। बताया जाता है कि एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद प्यार हुआ और फिर इन्होंने शादी कर ली। अगला नाम जहीर खान का है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने साल 2017 में एक्ट्रेस सागरिका घाटगे से शादी की है। उससे पहले करीब 2 साल तक ये रिलेशनशिप में रहे हैं। आपको बता दें, शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया में सागरिका ने काम किया था। अगला नाम सबा करीम का है। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने 1989 में रश्मि राय से शादी की थी। रश्मि हिंदू परिवार से हैं। सबा करीम मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे। अगला नाम है द लेजेंड मंसूर अली खान पटौदी का। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रह चुके मंसूर अली खान पटौदी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी की थी। दोनों की शादी साल 1969 में हुई थी। शादी के बाद इन दोनों की खूब चर्चा रही थी। अगला नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन का है। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1987 में नौरीन से निकाह किया था। फिर 1996 में अजहर ने उन्हें तलाक दे दिया और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शादी कर ली। फिर 2010 में अजहर और संगीता का भी तलाक हो गया। इन दिनों अजहर का नाम एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ जुड़ रहा है। इंडिया स्पीक्स पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।